तुम दोनों उससे मिलोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत खुश हो। अगर आप खुश हैं तो हमें क्या इतराज है? क्यों इस तरह? जी जी भाई, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फाइनल डिसीजन तो बाबा का ही है, आफ्टर ऑल बाबा की लाइफ पार्टनर है, वही चूज करेंगे। कांग्रेचुलेशंस। मैं बस आता हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं साहब? आंटी, एक गुड न्यूज है, बाबा ने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चूज कर लिए। लाइफ पार्टनर? रियली? मैं आता हूँ, फिर साथ मिलके खाना खाते हैं। ओके। रायना आंटी, वो बहुत अच्छी फैमिली है। बाबा की एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर है वो। बाबा ने उन्हें प्रपोज कर दिया है। फ्रेंड, सिस्टर, ये क्या बोल रही हो तुम? यूसर, बाबा के कॉलेज के फ्रेंड है वो। इतने अरसे बाद बाबा से मिले थे तो बाबा को लेके वो अपने घर चले गए। क्या मतलब? यानी कि एक ही मुलाकात में तुम्हारे बाबा को फंसा लिया गया? हाँ, ये आप कैसी बातें कह रही हैं? वो बाबा को क्यों फंसाएंगे? बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। प्लीज, पढ़े लिखे? पढ़े लिखे होने से इंसान अपनी औकात नहीं छोड़ता। अरे, ये किस किस्म की फैमिली है? ऑब्वियस बात है, कोई घटिया फैमिली होगी जो एक दफा की मुलाकात में तुम्हारे बाबा को उन्होंने फंसा लिया। देखा होगा ना कि अकेला है, हैंडसम है, अमीर है, आगे पीछे कोई नहीं है। अरे, इस तरह की फैमिलीज ना ऐसे ही रिश्ते ढूंढती हैं और अपनी बहन और बेटियों को आगे कर देती हैं। ऐसे भाई दुबे, फारूक को तो शादी के लिए मैंने राजी किया था और तुम लोगों ने मुझसे ही छुपाया। मतलब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया यूसर तुम लोगों ने। थैंक यू वेरी मच यूसर। आंटी, मेरी बात तो सुने। मैंने क्या किया है?